इलेक्ट्रिकल मॉडल पेपर्स में आज हम पॉलीफेज सिस्टम से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट एस विजेड ए नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, इन व्हिच कनेक्शन लाइन करंट एंड फेज करंट आर सेम। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कौन सी कनेक्शन में या फिर कौन सी पॉलीफेज कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट का वैल्यू सेम रहता है या फिर इक्वल रहता है। पॉलीफेज सिस्टम में दो ठो कनेक्शन है, पहला कनेक्शन है स्टार कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट का वैल्यू सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर टू, इन व्हिच कनेक्शन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर सेम। क्वेश्चन में आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कौन सी पॉलीफेज सिस्टम में इक्वल रहता है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, स्टार कनेक्शन में करंट इक्वल हो रहा था, जबकि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का वैल्यू सेम रहता है। जैसे कि आपको पता है पॉलीफेज सिस्टम में दो ठो कनेक्शन है, पहला है स्टार, दूसरा है डेल्टा। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल रहता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इक्वल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द पावर इन थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज सर्किट में पावर का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन या फिर पावर का फॉर्मूला क्या है। थ्री फेज सिस्टम में पावर का फॉर्मूला है रूट थ्री वी एल आई एल कॉस थीटा। देखिए, वी एल का मतलब है लाइन वोल्टेज, आई एल का मतलब है लाइन करंट और कॉस थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल मॉडल पेपर से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर पावर फैक्टर। कौन सी इंस्ट्रूमेंट के मदद से या फिर कौन सी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मदद से पावर फैक्टर को नाप सकते हैं। पावर फैक्टर को नापने के लिए जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्शन किया जाता है या फिर जिस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मदद से नापा जाता है उसका नाम है पावर फैक्टर मीटर। और पावर फैक्टर मीटर के मदद से पावर फैक्टर को नाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द टू फेजेस ऑफ पॉलीफेज सिस्टम। देखिए, पॉलीफेज मतलब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। पॉलीफेज सिस्टम में थ्री फेज सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है या फिर पॉलीफेज सिस्टम का मतलब है थ्री फेज सिस्टम। क्वेश्चन के अनुसार पॉलीफेज सिस्टम में टू फेज या फिर दो ठो फेज में फेज एंगल डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलीफेज सिस्टम का मतलब है थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज मतलब तीन ठो फेज है और क्वेश्चन के अनुसार उनमें से जो दो ठो फेज हैं उनमें जो फेज एंगल है वो कितना होगा। तो पॉलीफेज सिस्टम में दो ठो फेज में जो एंगल डिफरेंस रहता है वो है 120 डिग्री। और ये जो डिफरेंस है 120 डिग्री का उसे इलेक्ट्रिकली एंगल या फिर इलेक्ट्रिकल डिफरेंस बिटवीन टू फेजेस कहा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप दिस पॉलीफेज सिस्टम मॉडल पेपर्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आस्क योर सजेशन बाय कमेंट। फॉर मोर वीडियो यू कैन क्लिक ऑन आइकन्स एंड ऑल्सो वॉच दीज वीडियोज। टिल देन सब्सक्राइब
लाइक एंड शेयर आशुतोष आर्किटेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन विथ इट्स ऑल ऑप्शन सो दैट यू नेवर मिस माई न्यूली अपलोडेड वीडियोज. थैंक यू.